हेलो दोस्तों, नमस्कार। हकीकत भारत में आपका स्वागत है। हम आज नए विचार के साथ आए हैं। आज का विचार है प्राथमिक शिक्षा कैसे सुदृढ़ होगी, और वह प्राथमिक शिक्षा जिसे लोग बच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए वह सही है इस पे जानना है। अगर हमारे लिए सही है तो उसके लिए हम लड़ेंगे, कब तक भागेंगे। प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों द्वारा कब तक शोषण सहेंगे, किस मजबूरी में आप प्राइवेट विद्यालयों में भेज रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला कार्य कब तक दिखावा में करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन विशुद्ध किसान की, उन विशुद्ध ग्रामीण की, जो अपने बच्चों को अनर्गल बिना मानक प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। चूँकि सरकार मुहैया करा रही है हर सुविधा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी, पुस्तकालय, बैग, ड्रेस, अन्य चीज़ें सुविधा, जैसे कि पोषण आहार, उनको क्या पोषण चाहिए, मध्याह्न भोजन की योजना, इतनी सुविधाएं, एक भगवान जैसा बच्चों को, बच्चों भगवान का रूप होते हैं, यह उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। यह संविधान के नियम में है कि 6 से 14 वर्ष के उन बच्चों को, जो कि यह पे नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी में क्यों प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे हम। अन्य लोगों के विचारों से हम अपना, जैसे कहा जाता है एक गांव देहात में कि जितना ओढ़ना उतना ही पैर पसारना, तो कर्ज लेकर के वैसा दिन ना आज कि खुदकुशी कर जीवन को मजबूरी में करना पड़े कर्ज लेकर के हम, चूँकि वह क्यों, क्योंकि अपने हक और अधिकार से भग रहा है, इसलिए ऐसा कदम ना उठाना पड़े। कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं, मनों में विचार आता है, जब आदमी शिक्षित होता है कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं समाज में, तो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इन सब चीज़ों से जो आपका हक मार रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, हर जगह प्राथमिक विद्यालय सुदृढ़ नहीं है, कहीं कहीं बहुत ही अच्छा है, प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छा प्रांगण, अच्छी सुविधाएँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की विदाई हो रही है, इतनी अच्छी व्यवस्था एक प्रधानाध्यापिका द्वारा, उसको मैं देखिए अब कैसा व्यवस्था है। अब देखिए इस चित्र और दृश्य को देखिए, इतना अच्छी व्यवस्था, और यह सुविधा एक विशुद्ध किसान के बच्चों को दिया जा रहा है, जो कि लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। सरकारी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो उन लोगों को परेशानी होगा जो आज कर्ज में दबे हैं, सूद पर पैसा लेकर के अपने बच्चों को बिना मानक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या तो मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वह चीज़ें अगर सरकारी जो सुविधाएं दे रही हैं वहाँ बच्चा जाएगा तो आपका भी हक बनेगा, तो आप जाएंगे दो कदम चल करके कि विद्यालय में क्या हो रहा है और क्या सुविधाएँ नहीं है, उसके लिए लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो कब तक भागेंगे। पूरा जीवन में कहीं ना कहीं आपको यह जो भागना है, यह भगना कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें दिमाग में मेरा सुबह से चल रहा था कि कैसे कहूँ, तो एक सोशल मीडिया का नेटवर्क है, यह विस्तार हुआ है, इसके माध्यम से मैं अपनी बातों पहुँचा रहा हूँ। तो देखिए इस विद्यालय की दृश्य को देख करके आपको कितना अच्छा लगेगा कि यह सरकारी एक विद्यालय है, और 5वीं क्लास के बच्चे जब पारंगत होकर के, पास होकर, उत्तीर्ण होकर के 6ठी क्लास के लिए जा रहे हैं, तो यह विद्यालय या स्कूल के परिवार द्वारा कितनी अच्छी व्यवस्था करके उनको विदाई समारोह किया जा रहा है। देखिए आप एक नज़र इस चित्र में, इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बिना ड्रेस के भी हैं। इसमें किसका दोष है, ना स्कूल का ना सरकार का, इसमें 100% तो नहीं कह सकते हैं, 80%, इसलिए कि कुछ चीज़ें अनदेखी भी होती हैं, तो 80% अभिभावक का दोष है। उसके खाते में आजकल पैसा जा रहा है आधार कार्ड से, या विद्यालय परिवार द्वारा ड्रेस दे दिया जाता है, बच्चा पहन कर नहीं जा रहा है कि धूला नहीं है, यह सारा जिम्मेवारी एक अभिभावक की है, और इसे लोग बच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं 50% आप भी हैं, अभिभावक भी हैं, 50% में अन्य लोग हैं, प्रधान, सरकार, अध्यापक, अन्य लोग, लेकिन 50% अभिभावक दोषी हैं, जिनको यह जिम्मेदारी है
कि जो सुविधाएं दिए जा रही हैं उसकी आप रख रखाव, सुरक्षा और उसकी देखभाल करें। क्या एकदम जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं आप लोग? जो भी सुविधाएं दिया जा रहा है उसको आप लोग उससे बचना चाहते हैं? तब तो यह जीवन जीनाधिकार है। उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो अपने जीवन को आलसी तौर पर जी रहे हैं, मतलब बना बनाया खाना मुंह में ला करके कोई खिलाए और अनर्गल बातें करना है, दोषी ठहराना है, दोषी ठहराएंगे, कुछ जानेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बातें कर रहा हूँ, शिक्षा जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो एक चीज़ नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं अशिक्षा का कारण है यह, किसी को दोषी ठहराना कुछ जाने बगैर। अन्य बातें मैं प्रशिक्षु के बारे में भी बोलूँगा, जो डीएलएड और बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं और जॉब के चक्कर में पड़े हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं इसका कारण भी है, इस पर भी वार्ता करूँगा। लेकिन एक विचार हुआ, सरकारी विद्यालयों और बच्चों और इनके आज विदाई समारोह के विषय में वार्ता थी, यह विचार कैसा लगा? इसका दोषी और इस दृश्य को दिखा करके मैं बधाई का पात्र, बधाई देना चाहूँगा उस विद्यालय को, इस स्कूल को, जो यह दृश्य आपको दिखाया और मैं देखा, महसूस किया। इस तरीके से हो रहा है, अभिभावक कहीं ना कहीं वो उस गांव के जहाँ के बच्चे हैं तत्पर हैं, संख्या अच्छी खासी है। और मुझे जहाँ तक पता चला कि बच्चे अच्छे पढ़ने में भी हैं और यह बच्चे जब जाएंगे तो अध्यापक को भी संतुष्टि मिलेगी कि हमारे विद्यालय पर हमने कुछ काम किया, सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। और वह बच्चा, मतलब बच्चों को ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया हम लोग, 5 साल में कुछ सीख कर गया, कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ देश का और राष्ट्र का नाम करेगा, अपना तो करेगा ही करेगा। तो अध्यापकों को कहीं संतुष्टि, और जिनको संतुष्टि आत्मा से नहीं मिली वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, बधाई उस स्कूल को और इस स्कूल के सभी कर्मचारीगणों को, प्रधानाध्यापिका जो है उस विद्यालय में। इसी तरीके से यह विचार अगले विचार के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।